हे यार गाइस, तो एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बट बेसिकली मैं इस वाले वीडियो को गेम खेलने नहीं वाला था। इस वाले वीडियो मैं दिखाने वाला था कि मैंने अपना शॉप ओपन कर लिया है, सो उसका मैं एक व्यू दिखाने वाला था। बट हमारे साथ कुछ ऐसा हो चुका है कि मेरे को ये वाला वीडियो, इसका ऑडियो कट करके म्यूट करके फिर से ऑडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही सीरियस मैटर हो चुका है हमारे साथ। तो इसलिए मेरे को, मतलब अगर आपको गेम प्ले देखना है तो आप देख सकते हो, अगर अगर आपको मेरा मतलब बातें सुनना है तो आप उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक सीरियस मैटर हो चुका है। सो आपको पता है, मैंने एक मतलब कम्युनिटी पोस्ट किया था एक दिन पहले कि हमारे साथ इलाके में बहुत ही गंदा एक हादसा हो चुका है, यहाँ पर एक डिजास्टर हो चुका है, एक तूफान आया था, उसकी वजह से हमारा यहाँ पर बहुत कुछ तबाह हो चुका है। सो उसी का एक मैटर है कि उस दिन जब ये वाला आया था, ये तूफान, तो मेरे हाथ से पता नहीं कैसे, या मतलब हाथ से नहीं बोल सकते हो, बट कैसे पता नहीं, मेरा मोबाइल का जो स्क्रीन है वो पूरा का पूरा टूट चुका है, और ना ही मैं इसको रिपेयर कर सकता हूँ अभी, और ना ही मैं एक नया फ़ोन ख़रीद सकता हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास उतना भी पैसा वैसा है नहीं। मैंने इसी फ़ोन को मतलब 2 साल तक बहुत ही मेहनत करके पैसा जमा के परचेस किया था, बट मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया कि मेरा पूरा माइंड ख़राब हो चुका था, और मेरे को कुछ समझ नहीं आ था मैं क्या करूं। और भाई उसी दिन इलाके में बहुत बड़ा जो तूफान आया था, उसकी वजह से पूरा का पूरा इलाका ही तबाह हो चुका है, जिसकी वजह से ना ही इसमें यहाँ पर नेटवर्क आ रहा है, ना ही हम कोई बिजली यहाँ पर है, और ना मतलब बहुत कुछ यहाँ पर हो चुका है, जो कि मतलब बहुत ही टेंशन है हम लोगों के इलाके में। सो मैं एक ही बात सभी को बोलूँगा कि भाई आप प्लीज़ हमारे चैनल को जैसे सपोर्ट कर रहे थे सपोर्ट करते रहिए, कि भाई मैं अभी वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाऊँगा। हाँ शायद कभी कभी मतलब इस वाले वीडियो को, जैसे मैं अपने दोस्त के घर आकर इस फ़ोन को चार्ज दे के उसके बाद एडिटिंग करके वैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो वैसे ही मेरे को एक बार दो बार करना पड़ेगा। सो मोबाइल तो मेरे पास है नहीं अभी फ़िलहाल, क्योंकि मेरा मोबाइल का स्क्रीन पूरा का पूरा टूट चुका है, मैं दोस्त के मोबाइल से ये वाला कर रहा हूँ कैसे ना कैसे। सो हफ्ते में शायद 2 या 3 या एक भी वीडियो शायद ही मैं अपलोड कर पाऊँ। सो ऐसा मत सोचना कि मैंने यूट्यूब छोड़ दिया या यूट्यूब में वीडियोस नहीं अपलोड कर रहा हूँ। तो गाइस, ये मतलब बहुत एक सीरियस मैटर हो चुका है, जो कि भाई 1-2 हफ्ते में, मैं कमेंट में कम्युनिटी पोस्ट में लिखा था कि 1-2 हफ्ते तक मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊँगा, बट यहाँ पर जो म्यूनसिपाली है, सो उन्होंने बताया कि ये करीब करीब 1.5 महीना से भाई 2 महीना तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी तबाह हुआ है तो वो अभी ठीक नहीं किया जा सकता इतना जल्दी 1-2 हफ्ते तक। सो यहाँ पर बिजली भी नहीं आएगी 1-2 महीने तक। सो मतलब मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और अभी मैं वीडियोस में अपलोड ही नहीं कर पाऊंगा। शायद मेरे दोस्त के घर आके हफ्ते में 2 या 3 शायद मैं वीडियो अपलोड कर दूं। सो अब लोग ऐसा मत सोचना कि मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूं, मैं चला गया ही निकल गया। सो बस यही बोलूँगा, आप हमारे साथ सपोर्ट करते रहिए और प्रे करिए कि जल्दी से जल्दी ये मैटर क्लियर हो जाए। और ये मैटर अगर क्लियर भी हो जाए ना, मतलब मेरे पास तो अभी मोबाइल्स तो है नहीं, मोबाइल जो कि मैं गेम प्ले खेल पाऊँ और इसका वीडियोस तो ला पाऊँ। और जब ये हुआ था ना, तब मैं इसी वाले गेम जो आप देख रहे हो, इसका ही मैं वीडियो शूट कर रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था, तो मेरे साथ ऐसा हो गया, स्क्रीन टूट गया। तो मैंने मेरे हर एक मेंबर के साथ बहुत ही गंदा सलूक किया, जो भी डार्क ऑप्शन का मेंबर है उन सबसे बहुत ही गंदा सलूक किया, खास करके भाई वोल्टी है, जिसको मैं अपना पांडा बोलता हूँ। सो उसके साथ भी मैंने सबसे ज़्यादा गंदा सलूक किया, तो पांडा नहीं वोल्टी। सो तू अगर देख रहा है तो भाई दिल से सॉरी, मेरे को माफ़ कर दे, अगर मेरी वजह से तेरे दिल को कोई भी हेट पहुँच चुका है तो भाई एकदम सॉरी, मतलब दिल से सॉरी भाई, मैं तेरे से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि भाई तू मेरा पहला दोस्त है, जो यूट्यूबर दोस्त है, जिसके साथ मैं इतना रात रात भर तक जाग के मैं मैसेज किया, बट तेरे साथ ही मैंने ऐसा सुलूक किया। और मैं अपने सारे मेंबर्स से भी मतलब बहुत ही माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ इतना गंदा सुलूक किया। सो अगर आप मेरे को डार्क ऑप्शन से निकाल देते हो तो मेरे को कोई गुस्सा नहीं आएगा, तो आपका बर मर्ज़ी, आप कुछ भी कर सकते हो। भाई दिल से सॉरी आप लोगों के साथ जो भी किया, और भाई पांडा प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दे, तेरे को भाई अपना दोस्त मानता हूँ, तो भाई दिल से सॉरी, और मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, बट
मेरा ना किस्मत ही ख़राब है। मेरे को जब अभी रिकॉर्ड करूँ मेरे को बहुत रोना आ रहा है। मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये अगर ख़त्म भी हो जाए ना, मैं अपना मोबाइल से मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल तो अभी रिपेयर ही नहीं कर सकता और मैं एक नया मोबाइल परचेज़ भी नहीं कर सकता, मेरे पास उतना पैसा है नहीं। बट मेरे अंकल ने उनका एक दूसरा मोबाइल है जो कि मेरे बोल सकते हो एक मेरा आंटी का है। मैं उसके साथ 1-2 घंटे तक तो मैं गेम्स खेल पाऊंगा, बट उससे उतना देर तक मतलब खुद का मोबाइल से जितना भाई अटैचमेंट होती है तो उस उतना नहीं हो पाएगा। 2-3 दिन तो एक ही वीडियो अपलोड कर पाऊंगा, हफ्ते में 1 या 2 अपलोड कर पाऊँ। रेगुलरिटी मेंटेन अभी नहीं हो सकता। अब लोगों के साथ एक ही विनती है कि आप चैनल को जैसे सपोर्ट कर रहे हो, हमको जैसे सपोर्ट कर रहे हो, हमें जैसे 4 महीने मतलब इतना कुछ करवा दिया, प्लीज़ आप और भी 2 महीने तक या 1.5 महीने तक मैं जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लूँगा इंटरनेट का, बट मोबाइल का इशू तो अभी भी है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट बजाए रखिए, जैसे आप लोग सपोर्ट करते हैं प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। और आप लोगों के ऊपर ही अब मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोगों का डिसीज़न जो भी होगा, क्योंकि आप लोग अगर चैलेंज से छोड़ के जाना चाहते हो तो मैं कुछ ही नहीं कर सकता। मैं अभी चैलेंज में वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाऊँगा, हफ्ते में शायद एक भी वीडियो ना आ पाए, बट भी कोशिश करूँगा कि 1, 2 या 3 में शायद वीडियो अपलोड कर दूँ। बट खुद का मोबाइल तो नहीं है ना, इस वजह से बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप प्लीज़ सपोर्ट जैसे बना बच करते थे वैसे करते रहिए। और भाई ये प्रे करिए कि जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। और भाई मैं आप लोगों के साथ डोनेशन नहीं मांगूंगा कि आप लोग मेरे को थोड़ा सा पैसा डोनेट करो जिसकी वजह से मैं मोबाइल ख़रीद पाऊँ, बट नहीं भाई मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। सिर्फ ये प्रार्थना करूँगा कि आप जैसे हम लोगों को सपोर्ट करते रहिए थे इतना दिनों से, वैसे ही करते रहिए। और डार्क ऑब्सीडियन मेंबर का अभी बंदे से मैं दिल से भाई फिर से और एक बार सॉरी, जो भी मैंने किया था मैंने पता नहीं क्यों मेरे पास ऐसा हो गया। तो मैंने तब भी मेरा जो घर मैंने बनाया था डार्क ऑब्सीडियन में वो भी मैंने जला दिया, बहुत ही गुस्सा आ गया था मेरे को, मेरे ऊपर मेरा खुद का ही कंट्रोल नहीं था, मेरे को इतना खुद के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था। तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है अभी, और मेरे साथ ही नहीं मतलब पूरे इलाके में मतलब ऐसे बहुत सारे डिजास्टर हो चुका है। किसी का घर तोड़ उठ चुका है, किसी का दुकानें उजड़ चुका है, मतलब बहुत ही गंदा यहाँ पर हादसा हो चुका है। दुआ करिए कि जल्दी से जल्दी ये मैटर कंप्लीट हो जाए। और ज़्यादा कुछ बोलने वाला हूँ नहीं क्योंकि बोलने का भी कुछ है ही नहीं। भाई प्लीज़ जैसे बचाए रखिए थे, मतलब आपने इतना सपोर्ट दिया वैसे ही सपोर्ट देते रहिए। और मैं कुछ बोलना तो अभी फ़िलहाल तो नहीं है। और सॉरी वाइस, मैं आज का वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। और भाई थोड़ा सा गेम प्ले अप है वो इन्जॉय कर लीजिए, और उसमें कोई वॉइस मैंने रिकॉर्ड जो किया था वो मैंने ऑफ कर दिया, आपको सिंपली गेम पे दिखेगा। तो जो दुकान मैंने बनाया था मतलब शॉप मैंने बनाया था उसका एक छोटा सा गेम प्ले है। अगर विदाउट आपको मेरा आवाज़ से परेशान हो रही है मतलब अच्छा नहीं लग रहा है तो आप वीडियो को यहाँ पर ही छोड़ के जा सकते हैं। बट अगर आपको अच्छा लग रहा है गेम प्ले देखना तो आप ज़रूर से देखिए, बट उसमें सिर्फ मेरा वॉइस नहीं होगा, आपको सिर्फ म्यूज़िक आएगा। उसके लिए भाई दिल से सॉरी। तो मिलते हैं जल्दी, होप करेंगे जल्दी मिले आप सबके साथ, बट मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 2 या 3 वीडियो अपलोड कर पाऊँ। चलो मिलते हैं कुछ ही दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, या हाँ चलो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।
you